हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाइट लाइट इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द टू स्लिट्स इन आ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज बी एंड द स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी ग्रेटर ग्रेटर देन बी फ्रॉम द स्लिट्स। एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स सर्टेन वेवलेंथ्स आर मिसिंग। सम ऑफ दीज मिसिंग वेवलेंथ्स आर। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट यूज होगा, सो की कॉन्सेप्ट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके लिए सबसे पहले हमको डायग्राम ड्रॉ करना होगा। सो यहाँ पर हमारे पास ये है डायग्राम। यहाँ स्लिट S1 है और यहाँ स्लिट S2 है। इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हमको स्मॉल b गिवन है। यहाँ से किसी डिस्टेंस d पर हमने स्क्रीन को रखा है। इस स्लिट S1 के जस्ट सामने वाला जो पॉइंट है, लेट अस से ये पॉइंट P है, यहाँ पर कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग होंगी। हमको बतानी है वो वेवलेंथ्स कौन कौन सी होंगी। सबसे पहली बात, अगर कोई वेवलेंथ मिसिंग है मतलब कि उस पॉइंट पर हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास पाथ डिफरेंस की एक कंडीशन होती है, दैट इज डेल्टा एक्स विच इज पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। साथ ही साथ हमने मान लिया इस पॉइंट पी का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमने वाई ले लिया। सो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास वाई इंटू बी अपॉन डी। y हमारे पास ये डिस्टेंस है पॉइंट P का सेंटर से, d हमारे पास स्लिट्स सेपरेशन है और d हमारे पास स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं 2n-1 इंटू लैमडा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू y इंटू बी अपॉन d। अब यहाँ पर अगर पॉइंट P है, P मतलब ये जो हमारे पास डिस्टेंस है y, वो किसके इक्वल होगा, वो b बाई 2 के इक्वल होगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2n-1 इंटू लैमडा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू y की जगह हम क्या पुट करेंगे, b बाई 2। सो इट वुड बी b स्क्वायर बाई 2b। सो 2 से 2 यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो गया। लैमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैमडा की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर by d into 2n-1। सो ये जो वेवलेंथ होंगी लैम्डा, ये सब इस पॉइंट पे से मिसिंग होंगी क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो अगर हम n की वैल्यू 1 डालते हैं, अगर n की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b स्क्वायर by 2 into 1-1 इंटू डी। सो हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी स्क्वायर बाई डी। अगर हम एन की वैल्यू 2 डालते हैं तो हमारे पास लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर बाई 2n-1 इंटू डी, मीन्स 2 इंटू 2 4-1 इंटू डी मीन्स 3d। ऐसे ही अगर हम एन की वैल्यू 3 डालते हैं तो हमारे पास लैम्डा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर बाई 5d। 5d कैसे आया, 2 × 3 = 6-1 = 5 इंटू डी। सो यहाँ पर ये सब वेवलेंथ्स क्या होंगी, हमारे पास मिसिंग होंगी। सो यहाँ पर हमारे पास मिसिंग वेवलेंथ्स कौन कौन सी हो जाएगी, बी स्क्वायर बाय डी मतलब ए ऑप्शन एंड बी स्क्वायर बाय 3d मतलब सी ऑप्शन। सो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।